हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माय सेल्फ बिंदु, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछली बार जो था वो एनिमल किंगडम को जो था वो फिनिश कर लिया, यानी कल का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा था एनिमल किंगडम का वो क्या था, क्लास मेमेलिया। सो आज जो है हम नेक्स्ट यूनिट, जो सेकंड यूनिट है क्लास 11th की, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो आज जो है जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आफ्टर दैट हम करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं और जो प्लांट्स हैं वो बेल एडेप्टेड हैं। देखिए, हमारे पास छोटे से छोटे प्लांट से पहले स्टार्टिंग में हमारे पास प्लांट्स आए जिसके अंदर जो ना तो रूट था ना स्टेम थी, कोई फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होती उसके अंदर। फिर धीरे धीरे करके इनके अंदर ये कैरेक्टर्स आना शुरू हुए। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म जो है वो फुली डेवलप प्लांट है। उनके अंदर क्या है, रूट भी प्रेजेंट होगी, स्टेम भी प्रेजेंट होगी, उनके अंदर फ्रूट्स भी आएंगे और उनके ऊपर फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो मॉर्फोलॉजी मतलब कि जब हम बाहर से किसी फ्लावर को या प्लांट को देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी एक्सटर्नल, बाहर से देखने पे वो कैसा दिखता है, वो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर कहलाते हैं। अब जब उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है बच्चों वो एनाटॉमी कहलाती है। तो हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी बाहर से देखने में वो स्ट्रक्चर्स कैसी हैं और कैसे आप उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स की अगर हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखें, प्लांट की टिपिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है, मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, सैंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कि ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम रूट कहते हैं। ओके, और ये जो है ये हमारी प्राइमरी रूट कहलाती है। उसके बाद फर्दर जो इसकी ब्रांचिंग होती है जिसे हम सेकेंडरी या लेटरल ब्रांचेस भी कहते हैं। ओके, ये जो रहेगा वो हमारी प्राइमरी को हम इस तरह से 1 डिग्री ऐसे हम प्राइमरी रूट लिखते हैं, और ये जो है ये हमारी कैसी रहेगी, ये रहेगी सेकेंडरी रूट्स। आफ्टर दैट 3 डिग्री टर्शियरी रूट्स, क्वार्टरी रूट्स। ओके, तो ये आ गया जो कि सैंड के अंदर होता है, धरती के अंदर जो हिस्सा हुआ वो हमारी रूट्स हो होती हैं। अब जो ऊपर जा रहा है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा स्टेम। जगह नहीं है तो मैं इसे यहीं पे खत्म कर रही हूं। ये आ गया टिप ऑफ द प्लांट। ओके, तो इस तरह से अगर हमारे पास टिपिकल स्ट्रक्चर है फ्लावर की, तो ये जो दो है हमारे पास, इसकी जो ब्रांचिंग हो रही है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे ये क्या कहलाएगी, हमारी इंटरनोड, ये कहलाएगी इंटरनोड कहलाएगी। और जो ये वाली जो यानी कि इनके नीचे ये जो स्ट्रक्चर होगी ये वाली, ये कहलाएगी नोड। ये क्या कहलाएगी, ये नोड कहलाएगी। और दो ब्रांचेस के बीच की या दो लीव्स के बीच की जो है वो क्या कहलाती है, इंटरनोड। और ये जो यहां से अराइज कर रही है दैट इज बड एंड लीफ,
एंड दिस इज फ्लावर। तो ये थी टिपिकल प्लांट की स्ट्रक्चर जिसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया। इसमें हमारे पास रूट्स होती हैं। रूट्स में हमारे पास जो मेन रूट होगी वो हमारी प्राइमरी रूट कहलाएगी। आफ्टर बार उसके जो ब्रांचिंग होंगी वो सेकेंडरी टर्शरी इस तरह से जो है वो सेकेंडरी रूट्स या टर्शरी रूट्स कहलाएंगी। ओके, ये जो है ये पार्ट सॉरी ये हमारी स्टेम यानी कि इस पौधे का तना कहलाएगा। ये जड़े होंगी, तना हुआ, फिर उसके बाद लीफ मतलब पत्ते, ये यहाँ से जो है एक्सिलरी बड एक्सिस से निकल रही है दैट इज बड कहलाएगी, और ये फ्लावर यानी फूल, इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो इंटरनोड कहलाएगा, और इनके नीचे जो ये पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द नोड। ओके, तो ये है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर और टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले जो है हम किसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, हम रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम रूट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो रूट सबसे पहले कहां से अराइज होती है, रूट कहां से आती है? तो देखिए, हमारे पास जो सीड है, सिंपल में हमारे पास जैसे हम डाइकोटिलेडन की ही बात करते हैं, डाइकोटिलेडन द्विबीजपत्री से कहते हैं, तो इस तरह से मतलब जैसे अगर हम जो हमारे पास ग्राम होता है यानी चना, अगर हम उसे ही लें, तो बच्चे जब आप इसको लेंगे, आपने कभी भिगोने डाली कोई दाल या फिर चने, सफेद चने काले चने कुछ भी हो, तो जब आप उसको यहां से बीज से इसका छिलका उतार दोगे यानी इसकी जो सीड कोट होता है जब आप उसको उतार देते हैं, तो उसके बाद क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर नजर आएगी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। ओके, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, कोटिलीडन्स कहलाएंगे, और जिसमें दो होते हैं वो हमारे पास यानी कि जिसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो टू में, वो डाइकोटिलीडन्स होते हैं, इन्हें हम डाइकोट कहेंगे। ठीक है, ये डाइकोट होते हैं, और जिसमें इस तरह का नहीं होता, जैसे अगर हम वीट की बात कर लेते हैं, गेहूं का दाना, ठीक है, उसमें नहीं हो सकते, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते टू में, तो ये हमारे मोनोकोट, ठीक है, ये डाइकोटिलेडन होंगे और ये मोनोकोटिलेडन होंगे। ओके, तो इसमें हमारे पास दो इससे हिस्से हो रहे हैं, तो यहां से बच्चों ये जो ऊपर यहाँ पे ना एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल होती हैं, तो जो हाइपोकोटाइल है एपिकोटाइल से जो है इसकी जो है फर्दर इस तरह से ऐसे जब आप इस बीज दोगे इसको, तो यहां से क्या होगा, यहां से स्टेम अराइज होगी, और जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है बच्चे, यहां से क्या है, रेडिकल निकलेगा, रेडिकल सॉरी इसको हम प्लीमूले बोलते हैं। ऐसे बच्चों जो है नेक्स्ट फर्दर क्या बनेगी, स्टेम बनेगी, जो इसका एरियल पार्ट ऊपर वाला भाग बनाएगी, रेडियल से क्या अराइज होगी बच्चों, रूट अराइज होगी। ओके, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जो है हम रूट के बारे में डिस्कस करें। रूट जो है ये कहां से डेवलप हो रही है, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ये कहां से बनती है बच्चों, रेडिकल से निकलती है, और ये कैसी होती है, कलरलेस है। कलरलेस क्यों है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इतना तो आप लोग जानती हैं कि जो स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, उनका ग्रीन कलर क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इनके अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई ये कैसी होंगी बच्चों, कलरलेस होंगी, क्योंकि क्लोरो फिल इनके अंदर क्या है बच्चों, एब्सेंट है। और अभी आपने प्लांट की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट थी, लेकिन जो रूट्स थी क्या उसके अंदर इस तरह से नोड्स और इंटरनोड्स होती है, नहीं बच्चे, इसके अंदर नो नोड्स और इंटरनोड्स कोई प्रेजेंट इसमें नहीं होती, ना ही इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, ना ही यहाँ पे सीड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो डिवेलप करती है रेडिकल से, क्लोरोफिल इसके अंदर अब्सेंट है, दैट्स व्हाई ये कलरलेस है, इसके अंदर नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट नहीं होती हैं।
roots with their जो उनकी lateral branches निकलती है, जैसे अभी आपको बताया था कि वो किस order में होती है, primary, secondary, यानी जो आपकी main root होगी वो आपकी primary कहलाएगी, उसके बाद उसकी lateral branches निकलती है, secondary, after that tertiary निकलेंगी, जो सबसे last में आती है उन्हें rootlets कहा जाता है। तो इस तरह से roots के बाद जो उसकी lateral branches निकल रही हैं, ये सब मिलके क्या बनाती हैं? ये क्या बनाएंगी? फॉर्म रूट सिस्टम। ये क्या बनाएंगी बच्चों? ये रूट सिस्टम बनाती हैं। और ये कैसी होती हैं? ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि ये किस तरफ को मूव करेंगी? टुवार्ड द सॉइल मूव्स करेंगी, टुवार्ड द सॉइल यानी धरती के अंदर की तरफ को ये जाएंगी। ओके, तो ये थे हमारे पास रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की रूट्स कैसी होती हैं। ओके, नेक्स्ट, रूट्स जो हैं उसकी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है बच्चों। देखिए, हमारे पास जैसे अभी हमने डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन की बात करी थी, तो जो हमारे पास डाइकोटिलेडन होते हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर जो रूट्स रहेगी उसमें एक मेन रूट होती है और बाकी उसकी लेटरल ब्रांचेस होती है। यानी कि इस तरह से देखिए, ये है अंडर द सॉइल, इस तरह से एक मेन रूट निकलेगी, उसके बाद उसकी इस तरह से लेटरल ब्रांचेस होंगी फर्दर। तो जो इस तरह से रूट्स होती हैं डीप इनटू द सॉइल वो जाएंगी, तो इस तरह की जो रूट होती हैं जिसमें कि हमारे पास एक मेन रूट रहेगी और फिर उसकी फर्दर लेटरल ब्रांचेस बन जाएंगी, तो ये इस तरह की रूट जो है ये हमारी टैप रूट कहलाती है। दिस इज नोन एज टैप रूट। उसके बाद आती है हमारी, ये हमारी डाइकोटिलेडन्स के अंदर होती है, ये वाली टैप रूट जो है वो डाइकोटिलेडन्स के अंदर होती है। नेक्स्ट आती है कि उसमें हमारे पास स्टेम से ही, जो स्टेम का बेसल पार्ट होता है ना बच्चों, वहीं से, यानी रेडिकल से नहीं निकलती है ये रूट, ये स्टेम के बेसल पार्ट से इस तरह से अराइज कर जाएंगी और ये जो है फैल जाएंगी। इसमें क्या होगा, जो अगर ये रूट सूख रही है तो इसकी जगह नई निकल आती है। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं ये थोड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं और कैसी होती हैं, ये फाइब्रस, ये हमारी फाइब्रस रूट्स कहलाएंगी। तो टैप रूट हो गया, फाइब्रस रूट्स हो गया, फाइबर्स की तरह निकलती हैं, तो ये होती हैं मोनोकॉट के अंदर, जैसे कि भीट हो गया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहती है ना भीट हमारे पास, तो उसके अंदर जो है वो फाइब्रस रूट्स जो है आजकल खेतों में उगी होगी, जाके पौधा उगाड़ के देख सकते हो, उसके अंदर जो है फाइब्रस रूट्स जो है वो बच्चों प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड जो होती है बच्चों, एडवेंटिशियस बर्ड्स, ओके, ये भी ना एडवेंटिशियस बर्ड्स की अगर हम सिंपल में बात करें तो फाइब्रस रूट्स जो है वो इसकी टाइप्स है, क्योंकि एडवेंटिशियस बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि रेडिकल को छोड़ के, यानी टैप रूट जो थी वो कहां से अराइज हुई थी, डाइकोट्स के अंदर रेडिकल से अराइज हुई थी। तो ये लिख देती हूं मैं, ये अराइज फ्रॉम रेडिकल, ओके, और ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है डाइकोटिलेडन्स के अंदर, ओके, और ये फाइब्रस रूट्स जो होती है ये बच्चों ये अराइज करती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मोनोकोटिलेडन्स, ओके, और एग्जांपल है इसका वीट, मेज, ग्रास, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया, एडवेंटिशियस बर्ड, ठीक है। तो ये जो रूट्स होती हैं ये अराइज कर जाती हैं अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल को छोड़ के ये कहीं से भी अराइज करती हैं। फाइब्रस में तो आपको बताया ना कि ये कहां से अराइज कर रही है, ये स्टेम के बेसल पार्ट से कर रही है, लेकिन जैसे ब्रायोफाइलम का लीफ देखा है आपने, पत्थर जट भी जिसे कहते हैं, तो उसमें इस तरह से लीफ होता है बच्चों, ठीक है, अगर वो लीफ गिर जाए
और मॉइस्चर के या फिर सॉइल के कॉन्टेक्ट में वो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो ये पार्ट्स है ना इसके, यहीं से रूट्स जो है टर्मिनल इन पे जो है वो रूट्स ग्रो कर जाती हैं यहां पे इस तरह से, ठीक है। तो ये कहां कर गई रूट्स ग्रो, ये रूट्स कहां ग्रो कर रही है बच्चे, प्लांट के लीफ के ऊपर ग्रो कर रही है। तो अदर देन रेडिकल आ रहा है, रेडिकल से नहीं अराइज हो रही है, ये लीफ से ही अराइज हो जा रही है। फिर आपने बनियन ट्री देखा होगा, तो बनियन ट्री में क्या होता है कि उसमें स्पॉटिंग के लिए जो है वो इस तरह से प्रोप रूट्स आ जाती हैं, इस तरह से अराइज कर जाएगी उसके एरियल पार्ट से। तो इनको एरियल रूट्स भी कहते हैं या फिर इनको प्रोप रूट भी कहते हैं। तो ये भी एडवेंटिशियस जो रूट्स, सॉरी बर्ड्स लिख दिया, सॉरी एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो कर सकती है। तो ब्रायफाइलम का लीफ हो गया बनियन ट्री की जो प्रोप्स रूट्स होगी या एरियल रूट्स होगी। ओके, क्लियर है। तो हमारे पास टैप रूट है, फाइब्रस रूट है और एडवेंटिशियस रूट्स है। अगर हम बोले फाइब्रस रूट को तो ये भी टाइप है किसकी, एडवेंटिशियस रूट्स की ही टाइप है। ओके, हम अब टिपिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक रूट की, कि रूट किस तरह से होती है। ओके, हमारे पास रीजन ऑफ द रूट्स, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर ना आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि रूट्स जो है वो किस तरह से उसके पार्ट्स और कौन कौन से रीजंस उसके होते हैं। तो टिपिकल स्ट्रक्चर है एक रूट की जिसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंशिएट किया गया है। तो एनसीईआरटी और डिफरेंट बुक्स के अंदर ये स्ट्रक्चर है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर मेन स्ट्रक्चर ये दी गई है। सो इसमें बच्चे ये जो है ना, ये अंडर द सॉइल जो भाग आएगा यहां से जो है वो नीचे की तरफ को स्टार्ट है। मेरी टू टेप रूट है, टैप रूट से जो है वो फर्दर उसके जो है ये रूट हेयर्स जो है वहां से ग्रो करे हैं, ठीक है, रूट हेयर्स। और इसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगे वो मैच्योर हो चुके हैं टोटली और डिफरेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज में, जो कि जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, ये जो है वो बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब क्या होता है कि सेल की इलोंगेशन होती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तो मेरिस्मेटिक वो एक्टिविटी, मतलब मेरिस्मेटिक वहां पे वो रीजन होता है जहां पे सेल जो है न्यू सेल्स डिवेलप होते हैं। ओके, डिवाइड, सेल डिवाइड करेंगे, न्यू सेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रूट कैप। तो आपकी बुक में दिया है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है कहां पे, रूट कैप ये प्रेजेंट है, ये जो हमारे पास टेंडर रूट है, टेंडर रूट मतलब कि जो ग्रोइंग पार्ट होता है इसका, वहां पे प्रेजेंट है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि मान लीजिए ये मेरा थंब है, इसके ऊपर मैं कवरिंग लगा देती हूँ। ओके, वो जो बेल शेप्ड कवरिंग होगी उसे हम थिम्बल कहते हैं। सो थिम्बल शेप्ड ये इसी तरह से कवरिंग जो है वो इस टेंडर रूट यानी ग्रोइंग जो पार्ट है इसका, मेरिस्मेटिक जो हमारे पास पार्ट है जो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ओके, तो रूट कैप की अगर हम बात करें तो ये जो रूट कैप होता है ना बच्चों, ये रूट कैप क्या करता है, ये जो ये एपेक्स जो ये टेंडर रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। रूट हेयर मैं यहां लिख देती हूँ, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है एपेक्स पार्ट को। ओके, और ये क्या करता है, रूट कैप जो है ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, ये पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, हेल्प द इन पेनिट्रेशन इन द सॉइल। ओके, और हेल्पिंग इन पेनिट्रेशन इन द सॉइल, क्या बोल रही मैं, हेल्प टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, रूट को सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। दूसरी बात कि ये क्या सिक्रीट करता है, म्यूसीलेज, ये सेक्रीट करता है म्यूसीलेज, ठीक है, जिससे क्या होता है उसको क्या करेगा, लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा ताकि वो आसानी से अंदर जो है रूट जो है सॉइल के अंदर जा सके। और अब वहां पे जब वो सॉइल के अंदर जा रही है तो क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है ना,
ये कई बार पील्ड ऑफ हो जाता है, छिल जाता है, तो उस पे जो है जो न्यू सेल्स, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि रूट कैप एक बार बन गया तो वो एज इट इज ही चलता ही रहेगा, नहीं, ये जो एपिक्स रीजन है जहां पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी हो रही है वहां पे जो न्यू सेल्स बनेंगे वो इस रूट कैप को फिर से बना देंगे। ओके, सो प्रोटेक्शन देता है एपिक्स पार्ट को, पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, सिक्रीट करता है म्यूसिलेज, और इस पार्ट को हम कैलिट्री भी कहते हैं। रूट कैप इज आल्सो नोन एज कैलिट्रा। ओके, इसे और क्या कहते हैं, कैलिट्रा भी इसे कहते हैं। ओके, कहता है बच्चों रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, इसे हम मैरिस्मेटिक जोन भी कहते हैं, इट इज नोन एज मैरिस्मेटिक जोन, यानी कि मैरिस्मेटिकल एक्टिविटी यहां पे हो रही है। ठीक है, यहां पे मैरिस्मेटिक सेल्स जो है डिवाइड रीडिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। सो यहां पे जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, सेल्स आर थिन वॉल्ड, इसके सेल्स जो है जो होते हैं, उसके बाद जो इसके सेल्स है उसमें लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है यहां पे, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ओके, और इसके जो सेल्स होते हैं नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स इसके अंदर जो है बच्चों वो प्रेजेंट रहते हैं, और यहां पे क्या होता है, डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग मेरिस्मेटिक सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये ना देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, मान लीजिए कि हम यहां से चल रहे हैं स्टेम के पास से, तो स्टेम के पास पी से आपने याद रखना है, जो पी से होता है उसे हम प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो दूर होता है डिस्टेंस के ऊपर है तो उसे हम डिस्टल एंड। ओके, ये प्रॉक्सिमल और ये डिजिटल है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट वो होता है जो पास होता है, तो रूट कैप के बिल्कुल पास ये देखिए हल्का सा रीजन है, ये छोटा सा रीजन है, स्मॉल रीजन है, ये जो मैरिस्मेटिक जोन है ना ये एक्चुअल में स्मॉल जोन है हमारे पास, छोटा सा एरिया है। ठीक है, ये आपका 1 mm लॉन्ग हो सकता है, इतना हो सकता है ये 1 mm तक। ओके, इतना छोटा सा एरिया होता है जहां पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, यानी मेरिस्मेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रहे हैं। बच्चों देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारे पास सेल कैप है, जब वो पेनिट्रेट कर रही है इन द सॉइल, तो वो क्या हो रही है, वो छिल जा रही है, पील्ड ऑफ हो जा रही है, जब वो छिल जा रही है तो वहां पे नए सेल भेजने का काम कर रहा है, यही मेरिस्मेटिक जोन है, वो वहां पे न्यू सेल्स प्रोवाइड करवा रहा है। अब इससे ऊपर जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, जहां पे ये सेल्स जो ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं ये भी इसके प्रॉक्सिमल में है, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक एक्टिविटी, यानी कि जो मैरिस्मेटिक जोन है दोनों आपस में क्या है, ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल मतलब कि ये इसके पास ही प्रेजेंट है, तो जब ये ऊपर पे सेल भेजेगा तो वो क्या करेंगे, वो इलोंगेशन में हेल्प करेंगे, तो सेल इलोंगेशन भी इसी रीजन से हो रही है, यही सेल भेज रहा है, न्यू सेल्स जो है वो इसी रीजन पे बनते हैं, कहां पे बनते हैं, मेरिस्मेटिक जोन में, जिसे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमने देख लिया रूट कैप, रूट कैप क्या था, पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा था, इस जो टिंडर एपेक्स पार्ट है उसको बचा के रख रहा था, उसके बाद ये जो ग्रोइंग पार्ट है यानी कि रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, यानी जोन ऑफ जहां पे मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड रीडिवाइड होके वो जो है रूट कैप को भी सेल प्रोवाइड करवा रहे हैं, और वो नेक्स्ट ऊपर वाले रीजन यानी रीजन ऑफ इलोंगेशन में भी सेल प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी जोन ऑफ इलोंगेशन को देखते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन यहां पे जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं सेल, ये सेल आपस में ये सेल डिवाइड नहीं करते, सेल्स नॉट डिवाइड,
नीचे जो ये रीजन था हमारे पास, इसके सेल्स जो थे वो डिवाइड कर रहे थे 1 mm तक, ये रीजन था, छोटा सा रीजन था। ये रीजन जो आपका है ये 5 mm लॉन्ग हो सकता है, और यहाँ पे सेल क्या करेंगे अब, वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो इलोंगेट करेंगे, यानी लंबे हो जाएंगे, सेल इलोंगेशन यहाँ पे होगी। ओके, तो सेल कैसे हो जाएंगे इलोंगेट, यानी लंबे लंबे स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर अब एबिलिटी आ जाती है कि वो मिनरल्स को और वाटर को क्या कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो दे विल अब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर, मिनरल और वाटर को वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के अंदर जो है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि इनके सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं होती थी, जो मेरिस्मेटिक सेल्स थे उनमें वैक्यूल नहीं होती है, इनमें जो है वो स्मॉल वैक्यूल डिवेलप हो जाएगी, और यही वैक्यूल बच्चे क्या है धीरे धीरे करके लार्ज वैक्यूल क्रिएट कर देगी, लार्ज वैक्यूल क्रिएट करेगी, जिसके अंदर जो है सेल सैप बनेगा, सेल सैप यहाँ पे स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, सेल सैप, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल कहाँ बन रही है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है उनके अंदर सेल सैप की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन था वहां पे सेल स्ट्रेच हो रहे थे, लंबे हो रहे थे, और एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर की कैपेसिटी अब उनके अंदर जो है आना स्टार्ट हो जाएगी, और इन सेल्स के अंदर क्या होगा वैक्यूल क्रिएट होगी, छोटी छोटी वैक्यूल्स सेल्स के अंदर क्रिएट होगी, फिर वो जो है एक लार्ज वैक्यूल बनाएगी और उसके अंदर सेल सैप बनेगा। ओके, सो ये था जोन ऑफ इलोंगेशन। नेक्स्ट देखते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, देखते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन यहाँ पे बच्चों क्या हो चुका है, अब सेल जो है देखिए सेल बनना स्टार्ट हुए थे, उनकी इलोंगेशन हुई थी, यहाँ पे सेल लाके क्या होंगे फुली मैच्योर हो जाएंगे, और दे विल डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी टिश्यू, जहाँ पे जाइलम फ्लोएम और एंडोडर्मिस, ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज में वो डिवाइड हो जाएंगे। अब जो ये रीजन है तो यहाँ पे क्या हुई है सेल मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ओके, सेल की मैच्योरेशन उनकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, क्या प्राइमरी टिश्यू बनेगा, ठीक है, यानी कि बनाने में एबल है ये प्राइमरी टिश्यू, डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट इज जाइलम फ्लोएम, ओके, एंड आफ्टर दैट एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ठीक है, ये सारे जो हैं प्राइमरी टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए इस रीजन के ऊपर ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं रूट हेयर कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों रूट हेयर। अब ये रूट हेयर जो है ये एपिडर्मल इन ओरिजिन है, ये कहां से अराइज होते हैं एपिडर्मिस से, और हमने पहले पढ़ा था ना कि हमारे पास जब रूट होती थी एक प्राइमरी रूट होती थी उसमें से जो लेटरल ब्रांचेस निकलती थी ना बच्चे, ये जो लेटरल ब्रांचेस होती थी ये कहां से, ये जो थी वो एंडो, ये एंडोडर्मिस से निकलती है, ये एंडोडर्मिस अंदर से अराइज हो रही हैं, जो रूट हेयर है वो एपिडर्मिस से अराइज होते हैं, ये बाहर से एंडो मतलब अंदर से अराइज हो रही हैं, और ये जो रूट हेयर होते हैं ना बच्चे ये ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए हैं तो अंत तक यही रहेंगे, ये क्या करते हैं ये कुछ टाइम के बाद ये सूख जाते हैं, शिवरिंग हो जाती है इनकी, फिर क्या करते हैं उसकी जगह पे नए रूट हेयर जो है वो आ जाते हैं। और रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो एरिया है यहाँ पे सेल कंप्लीटली मैच्योर हो गए हैं
और ये मेन पार्ट होता है किसी भी रूट का। यहाँ पे जो रूट हेयर है मैक्सिमम एब्जर्वेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर किससे होती है, रूट हेयर के थ्रू ही होती है। तो रूट हेयर हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशन में ये हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, मेनली इन रूट हेयर के थ्रू ही जो है वो प्लांट को मेन न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सॉरी रीजन ऑफ जो आपके रूट्स के थे, जिसमें भी पहले आता है आपका रूट कैप जो पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहा है, उसके टर्मिनल इसको इंटेक्स पार्ट को भी बचा रहा है। ये जो पार्ट है इसके ऊपर क्या मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स जो है वो डिवाइड रीडिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं, वो इस रूट कैप को भी सेल प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो रीजन ऑफ इलोंगेशन को भी सेल प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहां पे रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होते हैं, सेल जो है वो स्ट्रेच लंबे होना स्टार्ट हो जाते हैं इलोंगेशन में, रूट की इलोंगेशन में वो इसको हेल्प कर रहे हैं। आफ्टर दैट रीजन ऑफ मैच्योरेशन आता है, मैच्योरेशन में क्या है वहां के सेल फुली मैच्योर हो चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, वो जो है वो जाइलम फ्लोएम वगैरह वो बना सकते हैं। रूट हेयर जो है वो मैक्सिमम नंबर पे इसी रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है शिविर भी होते हैं, उसकी जगह नए रूट हेयर भी आ जाते हैं और ये मिनरल न्यूट्रिशन लेने में प्लांट को हेल्प करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर कि रूट्स ने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाइड किया है। तो टैप रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट के अंदर मेनली जो है वो स्टोर्ड फूड भी प्रेजेंट होता है। जो कैरेट आप खाते हैं, रेडिश आप खाते हैं, टर्निप आप खाते हैं, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये हमारे पास टैप रूट ही है। टैप रूट ने अपने आप को किस तरह से मॉडिफाइड किया है चलिए देखते हैं। टैप रूट्स में स्टोरेज ऑफ फ्लैशी टैप रूट, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इन रूट्स के अंदर फूड जो है अगर वो स्टोर हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लैशी और स्टोरेज टैप रूट कहेंगे। ओके, सो देखिए हमारे पास सिंपली जो है इस तरह से कोटिलीडन प्रेजेंट होता है। इस कोटिलीडन के अंदर जो नीचे वाला ये रेडिकल पार्ट है, यहाँ पे जो है हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड आफ्टर दैट प्लूमुले, जहां से की स्टेम अराइज होती है इस तरह से। तो ये हाइपोकोटाइल होता है मेनली, जो आपके पास फ्लैशी टैप रूट्स रहेंगी वो कहां से अराइज होंगी बच्चों, इस हाइपोकोटाइल से ही अराइज होंगी। ओके, नेक्स्ट बात है कि कई बार क्या होता है कि इस हाइपोकोटाइल से है ग्रीन ब्रांचिंग निकलती है, उन ग्रीन ब्रांचेस के ऊपर जो है वो कई बार जो है यहां से ग्रीन ब्रांच निकलेगी, उसके ऊपर क्या होती है लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इन लीव्स को हम रेडियल लीव्स कहते हैं, दे आर नोन एज रेडियल लीव्स। ओके, हाइपोकोटाइल से ये अराइज हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास कोनिकल। तो कॉनिकल रूट्स कैसी होती है, रूट्स जो होंगी बच्चों हमारे पास उसमें क्या होगा, देखिए इस तरह से ये बेस है, यहां से टैप रूट जो अराइज हो रही है इस तरह से, यानी इसका जो बेसल पोर्शन है, ये जो बेसल पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाएगा, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, स्वॉलन हो जाएगा, यहां से ये फूल जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 आके इस तरह से टेपरिंग एंड इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरह की रूट जो है वो कैरेट के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद आती है फ्यूजीफॉर्म टाइप। फ्यूजीफॉर्म टाइप ऑफ रूट्स में क्या होता है कि जो इसका बेसल पार्ट है वो इस तरह से होगा, इस तरह से, उसके बाद जो मिडल पार्ट है वो थोड़ा स्वेलो कर जाएगा और फिर से ये क्या कर जाएगा, इस तरह से टेपरिंग रूट इसके अंदर, ये जो मिडल पोर्शन होता है इसके ऊपर सेकेंडरी रूट्स फर्दर प्रेजेंट नहीं होती, प्राइमरी रूट में ही फूड जो है वो स्टोर हो रहा है, सेकेंडरी रूट्स जो है वो बाहर प्रेजेंट होंगी। तो इसमें जो ये सेकेंडरी रूट्स निकल रही है
ठीक है, ये जो है इसके मिडिल स्वोलन पार्ट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। नेपिफोम, ये जो इस तरह की जो रूट्स होती हैं वो आपकी रेडिश में प्रेजेंट होती है। ओके, जो कैरेट है ये कॉनिकल रूट्स का एग्जांपल है। ये जो स्टोरेज ऑफ फ्लैशी टैप रूट है ना, ये इसी के फर्दर पार्ट्स है। तो कॉनिकल आगे कैरेट के अंदर होती है, फ्यूजी फॉर्म में जो है, देखिए अपर जो बेसल पार्ट है वो इतना ज्यादा स्वोलन है, मिडल पार्ट इसमें स्वोलन करेगा, फिर नीचे से ये टेपरिंग एंड आ जाएगी। नेपी फॉर्म में क्या होता है बच्चों, नेपी फॉर्म में ये पूरा इस तरह से स्फेरिकल शेप ले लेता है, ऐसे इसके ऊपर स्टेम प्रेजेंट हो और इस तरह से फर्दर ये आगे स्कैंडिलोस, ठीक है। तो इस तरह का आपका कहां होता है, टर्निप, टर्निप में इस तरह से जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और होता है बीट रूट, चुकंदर के अंदर भी इस तरह से नेपिफॉर्म टाइप ऑफ रूट्स जो है, ये प्राइमरी रूट होगी, सेकेंडरी रूट ये नीचे प्रेजेंट होगी। ओके, उसके बाद आती है ट्यूबरस जो टैप रूट है। ट्यूबरस टैप रूट ना, मैं यहां बनाती हूं, इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई शेप इसकी नहीं होती है। ये रूट जो है, जो मिराबिलस जलापा जो आपने सुना होगा प्लांट, फोरोक्लोक प्लांट भी उसे कहते हैं, ठीक है, फोरो मिराबिलस, ठीक है, फोरोक्लोक प्लांट भी इसे कहते हैं। तो इसकी ना इस तरह से ट्यूबरस टैप रूट होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस रूट के अंदर ही जो है ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद आ जाती है नोड्यूलेटेड रूट्स। नोड्यूलेटेड रूट्स क्या होती है बच्चों, ये मैं रब करी, ये आपको मैंने इसके एग्जांपल्स भी बता दिए और ये पूरा क्लियर भी हो गया। ओके, सेकंड आती है हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके अंदर, जैसे ग्राम आ गया, बरसीम आ गया, ओके, और जैसे पी है, ठीक है, पाइसम सैटिवम, तो इसमें क्या है, हमारे पास जो रूट्स होती हैं उसमें जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उन सभी के ही अंदर जो है मोस्टली क्या हो जाता है, इस तरह से नोड्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ना नोड्यूल्स बने होते हैं इसके अंदर। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस के अंदर, क्या पढ़ते हैं हम, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया बच्चों इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो किसमें हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। तो ये मेन टैप रूट रहेगी, इस टैप रूट से जो सेकेंडरी और टर्शरी जो ब्रांचिंग निकलेगी, यानी सेकेंडरी रूट्स टर्शरी रूट्स जो इसमें प्रेजेंट होंगी उसके ऊपर क्या होंगे, नोड्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये नोड्यूल्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे विद राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा और राइजोबियम बैक्टीरिया को ये क्या देंगे, रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये नोड्यूलेटेड रूट्स जो है ये टैप रूट का एग्जांपल है। ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद हम, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। तो जो हमारे पास वैम्पी एरिया होता है, आपने सुना होगा एरिया है जो डेल्टा बनाता है, सुंदरवन। सुंदरवन में क्या है कि हमारे पास वहां पे नदियों का पानी एक जगह जो है वो इकट्ठा होके जो स्लिट वगैरह मिट्टी वगैरह लाता है उससे वो सुंदरवन की फॉर्मेशन हुई है। तो वहां पे क्या है, मैंग्रोव ट्रीज वहां पे होते हैं प्रेजेंट, और उन ट्रीज में क्या होता है, एक्चुअल में देखिए ये ट्री है तो वहां जो है एक्चुअल में एरिया कैसा है, स्वैम्पी सा एरिया है, कीचड़ी कीचड़ टाइप वो एरिया है। तो उसमें जो है इन पेड़ों की रूट्स जो होती हैं वो सांस नहीं ले पाती, तो एरिएशन के लिए वो क्या करती हैं, सांस लेने के लिए वो इस तरह से रूट्स जो है वो बाहर आती हैं इस तरह से। ओके,
इस तरह से ये रूट्स जो है प्रेजेंट होंगी और इनके ऊपर निमेटोथोर्स, निमेटोथोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे पोर्स बच्चों इनके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और यही पोर्स जो है वो क्या करते हैं, एयर को ऑब्जर्व करते हैं। तो एयर को यानी कि वहां से वो एयर लेने में उनको हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहा जाता है। ओके, तो निमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स जो है वो मैनग्रोव्स में प्रेजेंट होती है जो कि स्वैम्पी एरियाज के अंदर जो है पाया जाता है। और ये भी एग्जाम्पल किसका है, टैप रूट की ही मॉडिफिकेशन है। ओके, तो क्लियर हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ये स्टोरेज ऑफ फूड भी करते हैं और इनके अंदर स्टोरेज में क्या होती है, कॉनिकल्स भी होती हैं हमारे पास और स्फेरिकल भी होती हैं और फ्यूजीफॉर्म रूट्स भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो थी वो हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स थी जिसमें कि नोड्यूल्स होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया को घर प्रोवाइड करवाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करते हैं। मेनली ये रूट्स जो है लेगुमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं निमेटोफोर रेस्पिरेटरी रूट्स, जो स्वैम्पी एरिया में जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं उनकी जो टैप रूट्स है वो इस तरह की मॉडिफिकेशन जो है वो शो करते हैं। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। जो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, तो पहले भी हमने पढ़ा था कि फाइब्रस रूट्स जो है वो किसके अंदर आती है, दैट आर ऑल्सो टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स जैसे वीट के अंदर और ग्रासेस के अंदर जो है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती सॉइल के अंदर, मेनली मोनोकोर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ये बेस के ऊपर ही प्रेजेंट रहती है, न्यूमरस इन नंबर होंगी, बहुत सारी होंगी, ऑलमोस्ट सेम लेंथ की ही होती है और ये बेस फीडर होती है। बेस फीडर मतलब कि बेस से ही सारा का सारा जो है ये अपना जो फूड है वो ले लेंगे, मतलब कि ऑब्जर्वेशन यहीं पे करनी है ना इनको, बेस पे ही। और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास फाइब्रस रूट्स होती हैं जैसे वीट की ही हम बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी बच्चों ये जो है वो हेल्प करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स जैसे कि हमने टैप रूट के अंदर पढ़ा कि उसमें वो क्या करते हैं बच्चों, फूड को स्टोर करके रख लेते हैं। तो जो फूड को स्टोर करके रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उनका साइज जो है वो वेरी कर जाता है। ठीक है, तो मेन रूट जो थी उसने फूड को स्टोर करके रख लिया और डिफरेंट शेप्स में आ गया। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, कई बार टैप रूट की तरह ही फूड की स्टोरेज हो जाती है। सो इसमें इस तरह की जो है वो फोर टाइप्स ऑफ रूट्स जो है फर्दर प्रेजेंट है। ट्यूबिकुलर जो होती हैं हमारे पास रूट्स, तो ट्यूबिकुलर रूट्स में बच्चों क्या होता है कि इस तरह से स्पिंडल शेप्ड, सॉरी जैसे स्पिंडल होता है ना इस तरह से स्पिंडल शेप्ड जो है वो हमारे पास रूट्स जो है वो प्रेजेंट होगी। स्वीट पोटैटो के अंदर जो है इस तरह की डेलिया फ्लावर जो है उसके अंदर इस तरह की रूट्स जो है प्रेजेंट होती हैं, वहां पे ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं। और इसमें कई बार क्या होती है, एडवेंटिशियस बड निकल आती है, तो इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव रूट भी कहते हैं। इसी में से जो है वो इस तरह से एडवेंटिशियस बड निकल आएगी और वो ग्रो कर जाएगी, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स आ जाएंगे, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव बड रूट भी कहते हैं। ओके, तो ट्यूबुलर में आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है डेलिया फ्लावर का और स्वीट पोटैटो का। फिर आती है हमारे पास प्रोप रूट। प्रोप रूट कैसी होती है बच्चों, प्रोप रूट जो है बनियन ट्री के अंदर आपने देखी होगी कि उसमें जो है साइड बाय साइड एरियल रूट्स निकलती हैं, ऊपर से रूट्स आएंगी फिर नीचे की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। पहले वो रेड कलर में होती हैं और वाटर की ऑब्जर्वेशन करती हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर, वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेती हैं ब्राउन कलर में। और ये जो रूट्स होती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं एक बनियन ट्री को। बनियन ट्री का आपने देखा होगा वो कई बार क्या हो जाता है, इमोर्टल हो जाता है, बहुत लंबे एरिया तक वो फैल जाता है। जहां से मान लीजिए कि ये था हमारे पास ट्री, ओके, अब इसमें से जो है वो प्रोप रूट्स यानी एरियल रूट्स इस तरह से अराइज होना स्टार्ट हो गई। ओके, कई बार ये जो मेन ब्रांचिंग्स होती हैं उसी की जो मतलब साइज की हो जाती हैं, अब इधर से भी ग्रो कर दी, अगर मेन ट्रंक जो है वो रिमूव भी हो जाता है, ओके,
तब भी ये जो है आगे से आगे जो है इस पेड़ को फैलाती जाएंगी, ये पेड़ मरेगा नहीं, ओके ये इमोर्टल हो जाएगा, ये एक लार्ज एरिया तक जो है वो फैल जाता है। तो ये प्रोप रूट्स जो है वन्यन ट्री के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, ओके और एक एक प्लांट स्क्रू पाइन के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है, ओके स्क्रू पाइन एंड बन्यन ट्री, ओके बरगद का पेड़। उसके बाद आती है स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स, ठीक है ये जो होती है जो मेज होता है जिया मेज जिसे हम कहते हैं मेज प्लांट के अंदर शुगर केन के अंदर ये प्रेजेंट होती है। देखिए इनकी ना जो स्टेम होती है देखिए ये है इसके अंदर फाइबरस रूट्स होंगी, लेकिन इनकी ना जो हमारे पास स्टेम होती है वो इस तरह से डिवाइडेड होती है, ठीक है तो ज्यादा सपोर्ट क्योंकि बरसात के सीजन में मेनली आजकल ये ग्रो करी है तो उसमें क्या होगा इस तरह से ये रूट्स निकल आती है, इस तरह से होंगी अनब्रांच्ड होंगी और ये क्या करेंगी एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो स्टेम को प्रोवाइड करवाएंगी, बेसल रीजन से ये निकलती है, ये बाहर भी दिखाई देती है, आराम से आप इसको देख सकते हो। तो स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स इनको कहा जाता है जिया मेज के अंदर यानी मेज के अंदर ये देखने को मिल जाती है। फिर आती है पैरासिटिक और होस्टोरिक रूट्स। पैरासिटिक रूट कैसी होती हैं? आपने कस्क्यूटा का नाम सुना होगा, टोटली पैरासाइट है वो हमारे पास, तो वो क्या करती है खुद अपना खाना तो बेचारी वो बना नहीं सकती, तो वो क्या करती है दूसरे पेड़ों के ऊपर ग्रो कर जाती है और उन्हीं से जो है वो अपना फूड लेती है। उनके अंदर लीव्स भी नहीं होते, स्केली से लीव्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो चुके हैं, तो वो क्या करती है जिस भी पेड़ के ऊपर वो ग्रो करेगी उसमें अपनी रूट्स पैरासिटिक रूट्स को अंदर डाल देगी उसके अंदर, ठीक है तो इस तरह से मान लीजिए कि ये कोई पेड़ की स्टेम है तो वो क्या करेगी अपनी रूट्स को इस तरह से उसके जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो है वो डिप कर देगी, वहां से उसका जो है फूड और न्यूट्रिशन जो वाटर और मिनरल उसको चाहिए फूड चाहिए वो वहां से वो डिराइव कर लेगी। तो इस तरह की रूट जो है पैरासिटिक और होस्टोरियल रूट्स जो है वो कहलाती है, ओके तो बच्चों आप देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ रूट। तो मेन फंक्शन क्या है रूट्स के, एब्जॉर्ब करना मिनरल एंड वाटर को, एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर को ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ये क्या करती है जो पेड़ों की जो जड़े होती हैं, ठीक है ये क्या करती है मिट्टी को अपने में ऐसे जकड़ लेती हैं, एंकरेज प्रोवाइड करवाती है प्लांट को कि वो मिट्टी के अंदर जो है वो जुड़ा रहे वहां से जल्दी गिर जाए, तो एंकरेज प्रोवाइड करवाती है टू द प्लांट। आफ्टर दैट ये क्या करती है स्टोरेज ऑफ फूड, अभी हमने पढ़ा ना कि चाहे वो टैप रूट थी चाहे वो एडवेंटिशियस रूट्स थी वो क्या करती है स्टोरेज करती है फूड की, तो स्टोरेज ऑफ फूड में ये हेल्प करती है, ओके नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये कुछ प्लांट हार्मोन भी सिक्रीट करती है, तो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन, इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन, ओके और बच्चे देखिए ये तो हमने टेरिस्ट्रियल जो प्लांट्स थे मेनली उनकी रूट्स के बारे में डिस्कस किया, अगर हम बात करें जो प्लांट्स जो है वो वाटर के अंदर अगर जो है वो पैदा हो रहे हैं तो उसमें मेनली क्या होगा जो हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं तो उसमें जो है वो रूट्स इतनी ज्यादा डिवेलप नहीं होती, उनको सॉइल में पेनिट्रेट नहीं करना है तो कई बार उनमें रूट कैप भी प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है बच्चों ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो आपको सबमर्ज या फ्लोटिंग प्लांट्स मिलेंगे उसमें आपके पास जो है वो वेल डेवलप रूट्स नहीं होती हैं और उनमें रूट कैप भी प्रेजेंट नहीं होता है, ओके तो ये था हमारा रूट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टेम के ऊपर रहेगा जिसे हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।